आज हम सीखेंगे बच्चों प्राइमरी एमआईएन, सेकेंडरी एमआईएन, टर्शियरी एमआईएन और उसकी अमोनिया के साथ में बेसिसिटी का सीक्वेंस। तो ये है आपके बेटा प्राइमरी एमआईएन, मल्टीग्री एमआईएन, सेकेंडरी एमआईएन, टर्शियरी एमआईएन और इसका हम करेंगे कंपैरिजन किसके साथ में, अमोनिया के साथ। अगर हम आर की जगह क्या लगा देते हैं बच्चों, आर की जगह हम लगा देते हैं CH3, तो ये 1 डिग्री एमआईएन है, सेकेंडरी एमआईएन, टर्शियरी एमआईएन और ये अमोनिया। इसका हम देखेंगे बेसिसिटी का सीक्वेंस, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड इसको हमने अमोनिया में कोई डिग्री नहीं है इसलिए हमने इसको 0 मान लिया। इसका सीक्वेंस जब हम देखते हैं तो सीक्वेंस हम लिखेंगे बच्चों 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री एंड 0। दिस इज द बेसिसिटी सीक्वेंस, बेसिसिटी सीक्वेंस, बेसिसिटी सीक्वेंस फॉर दिस सीरीज। इस सीरीज के लिए बेसिसिटी सीक्वेंस मतलब जो 2 डिग्री एमआईएन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होती है, 2 डिग्री एमआईएन है ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगी, अमोनिया सबसे कम बेसिक होता है, इसको हमने लिखा 0। फिर आपके आएगा 1 डिग्री एमआईएन सेकेंड नंबर के बाद में, जो बेसिसिटी है एमआईएन की प्राइमरी एमआईएन की ज़्यादा होगी। उसके बाद में नंबर आएगा 3 डिग्री एमआईएन का और सबसे कम बेसिक होगी आपकी अमोनिया। ये जो एमआईएन है बच्चों इसकी बेसिसिटी का रीज़न क्या है, ड्यू टू परचेज ऑफ लोन पेयर। एक तो है बेटा इसका लोन पेयर की वजह से ये क्या होती है, बेसिक होती है बच्चों, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। दूसरा एमआईएन के साथ में क्या जुड़ा बच्चों, एल्काइल ग्रुप जुड़ा, तो एल्काइल ग्रुप क्या करता है, एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये नाइट्रोजन की साइड में इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से ये बेसिक कैरेक्टर शो करती है। जबकि अमोनिया के पास में आप देखेंगे तो अमोनिया के पास में एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा है, अमोनिया फॉर्मूला NH3, यहाँ पर एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप नहीं है, कोई भी प्लस आई इफेक्ट शो नहीं हो रहा है और प्लस आई इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, इस वजह से इसकी जो बेसिसिटी है वो सिर्फ लोन पेयर की वजह से हो गई। इनमें लोन पेयर की वजह से भी बेसिसिटी है और साथ में इनके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एल्काइल ग्रुप की वजह से इनकी बेसिसिटी क्या होती है, अमोनिया के कंपेरिजन में बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब भी हम बेसिसिटी का सीक्वेंस देखेंगे सबसे ज़्यादा बेसिक होगा आपका सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन हमेशा ज़्यादा बेसिक होगा और सबसे लीस्ट बेसिक अगर हम चारों का कंपेरिजन करेंगे तो अमोनिया रहेगी सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे। थोड़ा सा हमें लगता है कि सेकेंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे क्या है, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है बेटा कि अगर आप CH3 लेते हैं, आर की जगह आप क्या लेते हैं CH3, आर एन एच टू है, इसकी जगह आप क्या लेते हैं बच्चों, अगर CH3 लेते हैं तो आपको 2 नंबर के बाद में प्राइमरी एमाइन लिखना है, उसके बाद में टर्शियरी एमाइन आ जाएगी और अमोनिया का नंबर सबसे लास्ट में आएगा। मतलब छोटा मॉलिक्यूल तो 2 के बाद में छोटा नंबर। इसी टाइप से अगर आप आर की जगह आप ले लेते हैं बच्चों CH2CH3, ये क्या है आपका, ये अगर आप CH2CH3 ग्रुप ले लेते हैं आर की जगह तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। सीक्वेंस क्या रह जाएगा, सेकेंडरी एमआईएन को हमेशा ज़्यादा बेसिक होगी सबसे, अमोनिया सबसे कम बेसिक होगा। अब आपने क्या लिया है, मॉलिक्यूल बढ़ा लिया है तो 2 के बाद में बड़ा नंबर आया, तो 2 के बाद में बड़ा नंबर की मतलब सेकेंडरी एमआईएन के बाद में जो ये टर्शियरी एमआईएन है जिसमें CH3CH2 ग्रुप जुड़ा है, ये टर्शियरी एमआईएन क्या होगी, ज़्यादा बेसिक होगी इसके कंपेरिजन में, प्राइमरी एमआईएन के कंपेरिजन में ज़्यादा बेसिक होगी। ठीक है, लेकिन जो टर्शियरी एमआईएन है वो सेकेंडरी एमआईएन से लेस बेसिक होगी, सबसे कम बेसिसिटी किसकी होगी, अमोनिया की होगी। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं बच्चों, अगर ये जो सीक्वेंस अभी हमने पढ़ी ना बेटा 2 1 3 0 एंड 2 3 1 0, 2 1 3 0 एंड 2 3 1 0, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। आर की जगह अगर हम CH3 लेते हैं ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, आर की जगह CH2CH3 लेते हैं ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, कब, जब
एम आई आपको एक्वस मीडियम में दे रखी है। एम आई किस में दे रखी हो? एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम का मतलब है एम आई आपको लिक्विड फेज में दे रखी है। किस फेज में दे रखी है? लिक्विड फेज में। अगर लिक्विड फेज में एम आई है तो ये सीक्वेंस फॉलो होगा। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एम आई को बेस सिटी के वे में अरेंज कीजिए और जो एम आई दे रखी है आपको वेफर फेज में दे रखी है। वेफर फेज में, वेफर फेज आप समझते हैं ना, वेफर से। तो अगर वेफर फेज में होगी तो सीक्वेंस पूरा ही चेंज हो जाएगा। सीक्वेंस क्या हो जाएगा? चाहे आर की जगह आप सी एच थ्री लो, चाहे आर की जगह आप सी एच टू सी एच थ्री ग्रुप रखो, दोनों ही केस में बेस एसिडिटी का सीक्वेंस रहेगा 3 2 1 10 0 0 यहाँ पे है अमोनिया के लिए। चाहे आप आर की जगह सी एच थ्री रखेंगे तो भी यही सीक्वेंस आएगा, और अगर आर की जगह आप सी एच टू सी एच थ्री रखेंगे तो भी यही सीक्वेंस आएगा। कब? जब आप एम आई को किस फॉर्म में लेंगे बेटा, किस वे में लेंगे? वेपर पेज में लेंगे। अंडरस्टूड? नॉट डाउन दिस। कन्वर्जन, वी हैव टू फाइंड द ए बी एंड सी। ए बी और सी को हमें पहचानना है। सी एच थ्री सी एल लिखा हुआ है, सी एच थ्री सी एल मतलब क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं के सी एल से क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ए फाइंड करना है आपको। ए प्रोडक्ट की आपको रिएक्शन करवानी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, बी प्रोडक्ट बनेगा। और बी जो प्रोडक्ट है सी एच सी एल थ्री, ये क्लोरोफॉर्म और साथ में एल्कोहलिक एजेंट, इससे रिएक्ट करके सी बनाएगा। तो सी को आपको पहचानना है, साथ में इनकी पूरी केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ए बी सी को पहचानते हैं, ए बी और सी क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको याद आ रहा हो बच्चों, ये जो क्लोरोमीथेन है ये अगर कैसीन से रिएक्ट करेगी, कैसीन से रिएक्ट करती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। पढ़ा होगा आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन जो आपको पता ना बेटा, दो टाइप की होती है, एसएन1 और एसएन2। यहाँ पे एसएन2 रिएक्शन से ये इससे रिएक्ट करेगा। देखो CH3Cl इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे KCNC, तो प्रोडक्ट हमारे हमें मिलेगा CH3Cl प्लस KCl। ये बाय प्रोडक्ट है बेटा, आपके बाद में मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। ठीक है, समझ आया? कौन सी रिएक्शन फॉलो हो रही है यहाँ पे? SN2 रिएक्शन फॉलो हो रही है। ये आपको ध्यान देना बेटा, SN2 रिएक्शन कब होती है? SN2 रिएक्शन का सीक्वेंस भी आप देखेंगे। SN2 रिएक्शन होती है बेटा, सबसे अच्छी SN2 रिएक्शन देते हैं 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री एल्काइन हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइन हैलाइड सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन देते हैं, उसके बाद में 2 डिग्री एल्काइन हैलाइड देते हैं, और टर्शियरी एल्काइन हैलाइड सबसे स्लो SN2 रिएक्शन देते हैं। SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। SN2 रिएक्शन का मतलब है इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। किस किस के ऊपर? रिएक्टेंट और सब्सट्रेट दोनों पर डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट ये बनेगा। इसका मतलब ये हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया। अब हम ये CH3Cl है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो कुछ बातें बेटा आपको ध्यान देनी है, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इनकी आपको ध्यान देना है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर देता है। क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस करने का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन की सप्लाई करते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। नाम क्या है बेटा? एजेंट। जो जिस चीज़ का एजेंट होगा वही तो चीज़ सप्लाई करेगा। जैसे टिकट एजेंट होते हैं ना, वो टिकट सप्लाई करते हैं या टिकट बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं टिकट एजेंट। यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने का मतलब क्या है?
ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, वो हो जाएगा रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा तो हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन ऐड होगी, मतलब ये जो ए प्रोडक्ट मिला है CH3CN, ये ए प्रोडक्ट है, इसकी रिएक्शन आप करवा देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, एरो के ऊपर लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको ऐड करनी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब आपको चार हाइड्रोजन ऐड करनी होगी यहाँ पे, चार हाइड्रोजन ऐड करनी है हमें यहाँ पे। तो चार हाइड्रोजन में ध्यान देंगे बच्चों, दो हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे इस कार्बन पे, दो हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे नाइट्रोजन पे, समझ आ गए। अगर हम दो हाइड्रोजन कार्बन पे ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा CH3CH2 हो जाएगा। दो हाइड्रोजन अगर हम नाइट्रोजन पे ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा बेटा NH2 एथेन एमीन, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया बी, समझ में आया, वो सिंपल है, ये हमारा बन गया बेटा प्रोडक्ट। इसका हाइड्रोजन नेम क्या है, एथेन एमीन, एथेन एमाइन भी बोलते हैं इसको, एथेन एमाइन। अब आपके पास में बी है CH3CH2NH2, इसकी रिएक्शन आपको करवानी किससे, CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH। तो ये रिएक्शन बेटा आपको याद आ रही होगी, ये रिएक्शन है कार्बन एमाइन रिएक्शन, कार्बन एमाइन रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बताया है कार्बन एमाइन रिएक्शन क्या होती है, जब प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH तो मिलता है हमें आइसोसाइनाइड, क्या मिलेगा हमें आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2NC प्लस KCl प्लस H2, ये प्रोडक्ट है आपके पास। तो ए बी और सी को हमने पहचान लिया बच्चों, ए है हमारे CH3Cl, बी है CH3CH2NH2 और सी है CH3CH2NC आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड।